सत्या, मैं रेवती। इस वक्त कहाँ हो? चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास। मुझे पहुँचने में देरी होगी, तुम बीच पे आ जाओगी? बीच पे आ जाऊँ? ठीक है, मैं आती हूँ। बहुत डेंजरस लगता है, हो सकता है वो यहाँ पर अपना भेस बदल कर आए। देयर आर चांसेस वो वही है। ये कंफर्म होने के बाद इस रुमाल से तुम अपना चेहरा पोंछना, हमें यकीन हो जाएगा वी विल अटैक। चेन्नई में बहुत गर्मी है। Oh!
ए, तूने यहाँ पे कुछ फेंका था ना, चल उसे निकाल। तूने पुलिस को समझ क्या रखा है, बता, चल निकाल उसे। खोल के दिखाई से। पैसे दोपहरी ली थी तूने, ये किसके मर्डर के लिए था बता? किसे मारने के लिए लिए तूने इसे? मुझे अस्पताल अस्पताल करता। अनिरुद्ध देसाई का मर्डर करने वाले व्यक्ति सत्या यानी सत्यमूर्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राज्य के पुलिस अधिकारी बीबी अशोक कुमार और उनकी टीम ने सत्या और सत्यमूर्ति को आज बीच पर गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो सत्या एक खतरनाक अपराधी है। इससे पहले भी सत्या ने 34 खून किए हैं, ऐसी खबर लगातार सुनने में आ रही है। उस खूनी को गिरफ्तार करके बेंगलुरु में लाया जा रहा है। बेंगलुरु में लाने के बाद उसके ऊपर कौन कौन सी धारा लगने वाली है और उसके ऊपर कौन कौन सी कार्रवाई की जाएगी, इस बारे में ये स्वर्णा न्यूज आपको खबर देती रहेगी। सर, इतनी रात को इसे लेकर ट्रैवल करना मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रिस्क होगा। सो यहाँ आसपास कोई बंगला हायर करके हम लोग रुक जाते हैं, सुबह होते ही हम लोग जर्नी शुरू करेंगे तो अच्छा होगा। नहीं, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट कोर्ट में इसे हमें प्रोड्यूस करना होगा। सर, बट द कोर्ट विल कंसिडर जर्नी आवर राइट। लड़का मेरे साथ रहेगा, रिलैक्स। फाइन सर। गुरुदत्त जी, सर रेवती को आप गांव भेज दीजिए और आप खुद जाकर इन्हें बस में बैठा दीजिए। ओके सर। थैंक यू सर। सर यस, मैं एक मिनट सत्या से बात कर सकती हूँ? सॉरी सत्या। आज तक मैंने बहुत सारे मर्डर केसेस इन्वेस्टिगेट किए हैं और न जाने कितने सीरियल किलर से मिल चुका हूं, पर तुम्हारी सूरत देखकर नहीं लगता है कि तुम खूनी हो। कौन हो तुम? हाय, हेलो, नमस्कार आप सभी दर्शकों का और यहाँ के निवासियों का हम सभी लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं। इस प्रोग्राम का पहला चैलेंज हो रहा है भारत के दूसरे सबसे बड़े वाटरफॉल दूध सागर वाटरफॉल्स के जंगलों में। हमारे पहले चैलेंज में दोनों टीम के कैप्टन्स एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे। सो इट्स कैप्टन्स क्लैश। चैलेंज क्या है मैं बताता हूँ। दूध सागर फॉल्स के पास एक बहुत बड़ी सुरंग है,
वो कोई 10 या 20 मीटर लंबी नहीं है बल्कि 1000 मीटर लंबी है। और आप दोनों कैप्टन में से जो इसे क्रॉस करके सबसे पहले आएगा उसे मिलेगा हमारे देश का फ्लैग, और जो इस फ्लैग को उठाकर सारे दूध सागर फॉल्स को पार करते हुए ऊंचाई पे झंडा फहराएगा वो होगा विनर, द रियल पैट्रियोटिक पर्सन। तो गेम शुरू करें। रेडी, गेट सेट, गो। ये फॉरेस्ट मेरा है, मैं इंचार्ज हूं, जंगल का सिपाही। को मिलता है इम्यूनिटी आइडियल, जस्ट फॉर यू मिस्टर सत्या। डे टू, तो अब है समझदारी का चैलेंज। कैसल रॉक से वास्को दो ट्रेनें जाती हैं, एक 9:30 बजे, दूसरी 12:30 बजे। टीम रेड आपको मिलती है 9:30 बजे वाली ट्रेन, टीम ब्लैक को मिलती है 12:30 बजे वाली ट्रेन। उस ट्रेन के पास जाकर आपको क्या करना है यही सोच रहे हैं ना आप? वेरी सिंपल, आपके ग्रुप में से जो उस ट्रेन के अंदर जाकर सबसे ज्यादा भीख मांग कर पैसे इकट्ठा करेगा वो होगा विनर। सो इज इट क्लियर? Yes! आप में से जाने वाला कौन है? मैं हूँ। और क्या आप जाएंगे? Yes! तो आपका चैलेंज शुरू होता है, गो। इस नर के जीवन से कुछ दे दो मालिक, मेरे भैया लोगों कुछ दान करो बिना पैर वाले को। दया करो मुझ पर महेश्वर, दया। मैडम, कोई मांगे तो 1-2 रुपया तो दे ही देते हैं ना मैडम, अपने पेट की आग बुझा लूंगा। वैसे मेरी कोई बुरी आदत नहीं है मैडम। मैडम आप 10 या 20 रुपए दे देंगी तो ब्रेकफास्ट या लंच कर लूंगा मैडम। बहुत लोग बिना पैसे दिए भगा देते मैडम, मैं एक लाचार लड़का हूँ, मेरे दोनों पैर नहीं इसलिए मुझे कोई नौकरी नहीं देता। मैडम जिसके दोनों पैर नहीं है उसका दर्द कौन समझेगा मैडम? 3 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया मैडम, प्लीज कुछ दे दीजिए मैडम। देखो ये पैसे मैंने बहुत मेहनत से कमाए हैं, इसका मिसयूज मत करना। तो रिजल्ट ये है, एक टीम ने 200 रुपए कमाए हैं और दूसरी टीम ने मात्र 165 रुपए कमाए हैं। 165 रुपए कमाने वाली टीम है
आप लोगों की। एक छोटा सा ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि सत्या वो 100 रुपए दो। सत्या 100 रुपए दो। सत्या दे दो 100 रुपए दे दो यार, वरना हम हार जाएंगे। दे दो सत्या। कौन सा 100 रुपया? अच्छा तुम्हें नहीं पता, जरा वीडियो देखो प्ले। देख लिया ना, उस लड़की ने जो 100 रुपए दिए थे वो निकालो। वो 100 रुपया नहीं दूंगा। डोंट टेस्ट माई पेशेंस। 100 रुपए निकालो प्लीज। एक बार फिर से सोच लो, तुम इस गेम में किस लिए आए हो? तुम्हारे बहुत सारे सपने थे, वो सारे सपने टूट जाएंगे। वॉच दिस। मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा सपना था मैं स्पोर्ट्समैन बनूं। मेरे दिल में भी वही इच्छा थी, मुझे बहुत जगह ट्रेनिंग दिलवाई। उनका सपना पूरा होने से पहले वो एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। इस तनहा जिंदगी में तुम्हारे बीच इंस्ट्रक्टर होकर काम कर रहा हूँ। लाइफ में कुछ करके दिखाने की इच्छा है मेरी। इस कंपटीशन ने एक मौका दिया है मुझे। इस कंपटीशन में मैं ही जीतूंगा, इसका पूरा विश्वास है मुझे। इस कंपटीशन की प्राइज मनी का आप क्या करेंगे? मेरे मम्मी पापा के नाम पर एक जिम स्टार्ट करने की इच्छा है मेरी। अब बताओ, इस गेम को जीत कर मिलने वाले जो 50 लाख रुपए है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर उस लड़की से मिले हुए 100 रुपए ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? इसका मिसयूज मत करना। लाइफ में कुछ कर दिखाने की इच्छा है मेरी। मेरे मम्मी पापा का सपना था मैं एक स्पोर्ट्समैन बनूं। तुम्हारे लिए 50 लाख रुपए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उस लड़की के मिले हुए 100 रुपए इंपॉर्टेंट है? इस 50 लाख के बजाय मुझे उस लड़की के दिए 100 रुपए ज्यादा है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो, हमारा भी और खुद का भी। तुम गेम खेलने आए थे ना, और अगर नहीं खेलना तो निकल जाओ। कम ऑन यार। आई एम रेडी, आई विल वॉक आउट। जंगल के बीच में खड़े होकर क्या सोच रहे हो? टू साइड या सुसाइड? इसे मैंने कहीं देखा है? मैंने कहां देखा है याद नहीं आ रहा है। ओहो, वंदे मातरम। उस दिन फॉरेस्ट में झंडा तुमने ही लहराया था ना? हाँ, ये फॉल्स और फॉरेस्ट सब मेरा ही है। इंचार्ज हूँ, जंगल का सिपाही। यहाँ क्या कर रहे हो भाई? वॉटरफॉल देख रहा था। हाँ, ये सामने वाले झरने। झरने को कोई बात नहीं, देखो। लेकिन ये जंगल है, रात होने से पहले निकल लो। दिखने में हिरन के बच्चे जैसे लगते हो। चीता अगर आ गया तो तुमको डिनर बना लेगा, इसलिए जरा संभल कर। ओके सर, चलता हूँ। सर हैं, क्या है? मुझे आपसे जरा सी बात करनी है। व्हाई नॉट, बात करो। वॉकिंग टॉकिंग, कम ऑन माय सन, व्हाट इज योर नेम? सत्या। सत्यमेव जयते, सुपर। मुद्दे पर आ जाओ। ठीक है, बोलो। सर, यहाँ रहने के लिए मुझे कोई घर मिलेगा क्या? अरे बेटा, उन लोगों के साथ तू आराम से सो रहा था, उन्हें छोड़कर इस जंगल में कहाँ आ गया अकल का अंधा। अकल का अंधा मतलब? अरे मतलब तुम्हारे साथ जो लड़कियाँ थी ना, छोटी छोटी फुलझड़ियाँ जैसी, तारा रा करके उछल कूद रही थी, उन्हें छोड़कर क्यों आ गया? साथ रहना अच्छा नहीं लगा, इसलिए घर ढूंढने के लिए जंगल में आ गया। घर दिलवा दो तो सारी बातें डिटेल में बता दूंगा। ओके, तुम्हें रहने के लिए घर और सोने के लिए बिस्तर चाहिए। माँ, मुझे एक डाउट है, ये कैसे हो सकता है कि किसी लड़की को देखते ही प्यार हो जाए? क्यों नहीं, ऐसे तुम लड़की देखने जाते हो और वो लड़की तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती है, और कॉफी के साथ उसे देखकर जैसे तुम उससे शादी करते हो, बस वैसे प्यार होता है। और क्या? ऐसा क्या? अच्छा, तुम करना क्या चाहते हो पहले ये तो बताओ। वो जहाँ भी मुझे उसे ढूंढना है, मुझे उम्मीद है वो मुझे मिलेगी। ये लो पकड़ो, जाओ ढूंढ कर लाओ। इस पटरी पे रोज हजारों लोग सफर करते हैं। अरे वो भी यहाँ घूमने आई होगी, अब तू उसे कहाँ ढूंढता फिरेगा? मेरा दिल कह रहा है। क्या? वो यही है। हाँ, यही कहीं हमारे आसपास ही है वो। और वो जहाँ मिलेगी मैं वहीं जा रहा हूँ। इधर ला। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती। तू जा ढूंढ के ला। सुन, तू एक बहुत बड़ा बेवकूफ है। कैसे? क्या कैसे भाई? देख, 50 लाख रुपए जीत कर हेलीकॉप्टर में बैठ कर
ऊपर से फॉल्स देखते हुए। तू कहाँ मैं यहाँ ढूंढू तुम्हें कहाँ कहाँ। भाई इस तरह से गाना गा गा करके तुम उसे ढूंढ सकते थे ना, गलत है। तू भी ना, बिना जान पहचान की लड़की ने 100 रुपए क्या दे दिए हैं? उस 100 रुपए के बारे में और उस लड़की के बारे में दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन तुम कुछ मत कहना, ठीक है? ठीक है भाई। सार्वजनिक शौचालय को यूज करने के बाद ठीक से पानी डाल। सॉरी सर, सॉरी। तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं देता क्या? सॉरी सर। अंधे हो गया तुम? सॉरी सर, वेरी सॉरी। क्या सॉरी? देख के नहीं चलते? आंख होते हुए भी अंधों की तरह चलते रहते हैं। 5 रुपीज, 1 रुपी, किसने दिया ये? और ये 2 रुपीज, ये किसने दिए होंगे? सॉरी सर, मुझे दिखाई नहीं देता। आप जाइए ना, जाइए जाइए, रास्ता खाली है। मैंने देखा नहीं था, सॉरी सर। सॉरी बाबा। अन्ना है क्या? उस लड़के के तो पैर थे, ये तो वही है। ये तो मुझसे भी ज्यादा ढेर छाना निकला। मुझे चूना लगा के मेरे सामने से गुजर गया। मुझे इस पर नजर रखनी पड़ेगी। अब फिर से अंधा होकर अपनी नजर खुली रखता हूँ। तेरे बिना जीना दुश्वार है। मैडम, मैं हूँ। परसों आपने 100 रुपए दिए थे ना, याद आया? आपके उन 100 रुपयों से मैंने ये पेपर का बिजनेस शुरू कर दिया है मैडम। आज पहला दिन है तो बोनी आपके हाथ से मैडम। थैंक यू मैडम। मैडम मैं चेंज देता हूँ। चेंज नहीं चाहिए, तुम रख लो। पेपर, पेपर, आज की ताजा खबर पढ़िए। पेपर। तुम्हारा अभी जो गया उसे देखा, उसके पैर नहीं है, फिर भी पेपर बेच कर जिंदगी गुजार रहा है। कुछ सीखो उस लड़के से, जाओ कुछ मेहनत करो। जाओ जाओ जाओ। ठीक है सर। तो जब मैं छोटा था
तब मेरे माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। मेरा अपना कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूं। लगता है मेरी जिंदगी में यही लिखा है, ऊपर वाले की मर्जी। जिंदगी में कुछ बनने की तमन्ना आज भी दिल में है, अच्छे लोगों को फ्रेंड्स बनाने का सपना। तू मेरी हर खुशी है। ए तू अपना डंडा कहाँ उल्टे सीधे जगह पे घुसेड़ रहा है, आजा बैठ जा इधर मेरे प्यारे रामू। हाँ मैं आ गया भाई, मुझे पता था कि आप मुझे यहीं बैठे मिलोगे। हाँ तू तो अंतर्यामी है। हाँ मैं बैठता हूँ ना। क्या ठीक है भाई, पता है इस ट्रेन में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। कैसी प्रॉब्लम यार? एक लड़का पैर होते हुए भी पैरों को बांध कर पैर नहीं है दिखाते हुए चल रहा है, उसकी एक्टिंग के चलते मेरे धंधे पे फर्क पड़ रहा है भाई। एक काम करो ना भाई, कुछ ऐसा करो ना कि वो ट्रेन में ही ना चढ़ पाए। अगर आप ऐसा कर पाए तो मैं आपको डेली एक डिस्को ब्रांडी दूंगा। डिस्को ब्रांडी तो ठीक है। हाँ हाँ हाँ। पहले ये बता तुझे कैसे पता चला उसके पैर हैं? अरे मैं देख चुका हूँ ना भाई, वो डेली पैरों से चल कर आता है, ये सब नाटक मैं अपनी आँखों से देख चुका हूँ। मैं तुमने देखा? हाँ तो? लेकिन तुम्हारी आँखें नहीं है। अरे वो क्या है कि मेरी आँखें नहीं है, लेकिन मैं अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लेता हूँ। पर कैसे? गॉड गिफ्ट है सर। हाँ यही बात बताने के लिए तो मैं इतनी दूर से ढूंढते हुए आप तक यहाँ पहुँचा हूँ। कुछ कीजिए ना सर। दिव्य दृष्टि, बैठ जा। ये हमारे गांव का ही लड़का है, इसका भेल बहुत ही ज्यादा मशहूर है। क्यों गरम है ना? जी हाँ सर। तुम्हें मैं इसे खिलाता हूँ, ये लो संभाल के। हाँ गरम है, देखिए। थैंक यू। आराम से। थैंक यू सर। और ले लो। नहीं नहीं और नहीं चाहिए। अरे लो, नहीं चाहिए सर, नहीं चाहिए सर। भाई मेरा पेट भर गया। कह रहा हूँ ना बहुत अच्छे हैं, ऐसा भेल तुमने कभी नहीं खाया होगा, ले लो। अरे नहीं चाहिए ना, आगे करो ना। नहीं चाहिए, मैं घर से खिचड़ी खा के आऊँ, नहीं चाहिए मुझे। अरे ले लो। मैडम पेपर का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, इसकी वजह आप ही हैं। मैडम ये क्या है? इसे घर जाकर खोलना। मैडम बिना पैर वाले कपाइश पर आप इतनी दया दिखा रही हैं। मैडम आप सच में बहुत अच्छी हैं, आप हमेशा खुश रहेंगी। तुम भीख मांगना छोड़कर ऐसे मेहनत कर रहे हो ना, ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा। काश हर आदमी तुम्हारी तरह सोचता। शाम को मैं मंदिर जा रहा हूँ, वहाँ आपकी खुशियों के लिए भी प्रार्थना करूँगा। मैडम जी वो आपका नाम क्या है मैडम? मैना। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, मैं चलता हूँ। मैडम एक बात बताऊँ आपको? हाँ बताओ ना। अगर आप माथे पे बिंदी लगाएंगी तो बहुत अच्छी लगेंगी। भूल गई, थैंक यू। कल से मत भूलिएगा। बहुत फास्ट चल रहा है तू भाई, है? एक ही दिन में नाम भी पूछ लिया और गिफ्ट भी लेकर के आ गया। क्या नाम बताया उसने? मैना।
मायना, आहा हा, कितना प्यारा नाम है। इसे आप ही ओपन करो भैया। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दिया है, मैं नहीं ओपन करूंगा। अरे भैया, मेरे प्यार के लिए पहला सपोर्ट आप ही ने किया, ये फर्स्ट गिफ्ट है, ऐसे आप ही खोलिए। भी ना यार, चल ला, बस इसमें बॉटल ना निकले। पकड़ इसे, कान में लगा ले। इसमें क्या है? मैंने इतने गिफ्ट देखे हैं आज तक, लेकिन इस तरह का गिफ्ट कभी नहीं देखा। आजकल की लड़कियां बहुत चालाक होती हैं। पहले वो प्यार करने वाले लड़के को तराजू में तौलती हैं, उसके बाद क्या दे क्या ना दे ये डिसाइड करती हैं। सुन, मुझे लगता है कि उसके दिल में, खैर छोड़ो, वो अच्छी लड़की है, लेकिन तू बेवकूफ है, समझा? साफ साफ बोला है उसने कि तू उसके प्यार के लायक नहीं है। उसने तेरी औकात बताई है कि तू जो है इस चप्पल के बराबर है। देख रहा है ना, उस लड़की ने तुझे चप्पल दिखाए हैं। अपने क्लोज फ्रेंड शाहजहां से लेकर शाहरुख तक सबके गिफ्ट देखे हैं मैंने, ये चप्पल वाला गिफ्ट आज तक नहीं देखा। क्या सोच रहा है? पहन ले इसे, पहन ले। मैं उसी दिन समझ गया था कि तेरा प्यार एक तरफा है। अरे वो तुझे बेवकूफ बना रही है, तू मेरी बात नहीं सुन रहा है। यहाँ पर कूद कर आत्महत्या करने से पहले अपने गाल पे दो चार थप्पड़ लगा ले तू। अरे जरा भी इज्जत है ना, तो ये ले, पकड़ पकड़ ले, पकड़ पहन ले इसे। अरे बोल रहा हूँ पहन ले। तूने उससे शादी भी कर ली ना, तो जिंदगी भर उसका प्यार नहीं मिलेगा तुझे। इसे पहन ले या इसे अपने गाल पे मार ले। चुपचाप क्यों बैठा है? शर्म नहीं आती है क्या तुझे? पागल कहीं का है, एक तरफा प्यार करके हीरो बनता है। भगत, हे, पानी में क्यों फेंक दिया उसे? अपने गाल पर मारना चाहिए था ना, मारने के लिए दिया था उसने। पता ये क्यों दिए? आपको नहीं पता? नहीं पता। ये देखो माहेश्वरा, समझे अब? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया भाई। एक बात बताऊं, इस झरने में गिरी हुई कोई भी चीज दोबारा मिल गई हो ढूंढने पर, ऐसा आज तक इतिहास में नहीं हुआ है भाई। ऐसे में ये चप्पल तुझे वापस मिले, इसका मतलब वो तुझे सच्चा प्यार करती है। आगे बढ़ बेटा, आगे बढ़, भाग 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 भाग, तेरा काम हो जाएगा भाग। इनसे बहुत मदद मिली मैडम, मुझे बहुत पसंद आई। हाथ पैर नहीं है ये सोचकर कभी किसी को भीख नहीं मांगना चाहिए। तुम मेहनत करके चार पैसे कमाने की सोच रहे हो, यही बात मुझे अच्छी लगी। आई लाइक यू फॉर दैट। थैंक यू। अब मैडम, हाथ पैर नहीं है इसलिए इंसान को चुप बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, व्हील पे दौड़ते रहना चाहिए। जिंदगी का नाम ही है दौड़। ये मेरा पसंदीदा कॉन्सेप्ट है, लाइफ रन्स ऑन व्हील्स। Life runs on wheels? That's nice. Thank you, madam. मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ, पूछो ना। आप हमेशा
इसी सीट पर क्यों बैठती है मैडम? मैं रोज ऑफिस के लिए ट्रैवल करती हूँ। इस वक्त जो भी ट्रेन में सफर करते हैं ज्यादातर लोग मुझे पहचानते हैं, इसलिए ये सीट मेरे लिए रिजर्व रहती है। लेकिन तुम ये सब पूछ रहे हो? यूं ही मैडम, क्यूरियोसिटी के लिए, बस और कुछ नहीं। दुखने लगा, जल्दी से जो कहना कह देता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप उस फॉल को कलरफुल कह रही हैं, ऐसा क्यों? बस यही सोच रहा था, और कुछ नहीं। ये वाटरफॉल मुझे बहुत पसंद है, जब भी यहाँ से गुजरती हूँ तब कलरफुल कहकर बुलाती हूँ। मैं सबके सामने आई लव यू नहीं कह सकती ना, इसीलिए। ये आई लव यू और कलरफुल में क्या संबंध है? संबंध है। क्या है? आई लव यू कलरफुल, दोनों का लिप मूवमेंट एक जैसा है। आई लव यू कलरफुल, बहुत अच्छा आइडिया है, आप बहुत समझदार हैं। एक रिक्वेस्ट है। कैसी रिक्वेस्ट? मैं अब आपको महीना कहके बुला सकता हूँ? थैंक यू मैडम, मुझे नेक्स्ट स्टॉप पर जरा काम है, मैं कल मिलता हूँ। सी यू, बाय। कुछ रख लिया है माँ? अपना ख्याल रखना। रेवती है ना माँ, कुछ चाहिए होगा तो उससे मांग लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। यू डोंट वरी। ओके माँ, सेम टाइम 5 o'clock। ठीक है, बाय। एक सवाल पूछ सकता हूं क्या? आप हमेशा ऐसी सीट पर क्यों बैठती हैं? ये लो, दया करो महेश, ये लो। हाँ, मेरी तनहा जिंदगी में तुम आ क्यों नहीं महेश पर? लगता है वो गुस्से में। Oh God, please save me now. गलतियां किससे नहीं होती रे, जो माफ करते हैं वही महान होते हैं। गलती मुझसे हुई है, दया कर। दया कर। I'm so happy. Mena? Life runs on wheels.
क्या हुआ? क्यों कर रही है ऐसा तू? अरे मैंने तुझे पहले इतना खुश होते कभी नहीं देखा। रेवती आज मैं बहुत खुश हूँ। यू नो मेरी लाइफ में एक नया मोड़ आया है। आई थिंक आई फाउंड माई मैच। आई थिंक आई एम इन लव। कलरफुल। इसको देखो। ए यहाँ क्या कर रहा है भाई? क्या हाल बना रखा है तूने? वो रूठ गई ऐसा बोलकर आंसू बहा रहा है। अजीब आदमी है। अगर वो तुझसे रूठ भी गई है ना तो जाके उसे अपनी शक्ल दिखा। अगर वो सच में तुझे प्यार करती है तो तुझे देखकर हंस पड़ेगी। तुझे देखते ही कमल के फूल की तरह खिल जाएगी। प्यार होता ही ऐसा है। अरे प्यार के लिए मेरे फ्रेंड ने ताजमहल बना दिया। अरे तेरे जैसा होता ना तो एक घोंसला भी नहीं बनाता। हार को जीत में बदल दे तभी मंजिल मिलेगी। चल जा। खीरा ले लो, खीरा ले लो। मैडम लेंगी? नहीं चाहिए। खीरा ले लो, खीरा, खीरा, कोई आ रहा है? ताजा ताजा खीरा। जल्दी आ जाओ। मैना मुझे जरा काम है, शाम को मिलता हूँ। शाम को? ओके ओके ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं 4 बजे वाली ट्रेन में, ठीक है ना? हाँ ठीक है। सेम मैचिंग मैचिंग। कलरफुल। क्या? आगे देखो पीछे देखो, ये दुनिया बड़ी निराली। क्या हुआ? भाई मैं आंखों से अंधा हूँ तो मुझे 2 रुपए मिलेंगे क्या? अरे भाई छुट्टे नहीं है मेरे। अरे हाथ डाल के देखो ना। सच में नहीं? अरे है। अरे जेब में हाथ डाल के तो देखो, तभी तो कुछ मिलेगा। ये लो। रखो ना भाई। कहाँ रखूँ? यहाँ पर रखो ना भाई। अच्छा ये लो। अय्या अजीब आदमी है। सब लोग सीधे हाथ से भीख मांगते हैं, तुम उल्टे हाथ से क्यों भीख मांग रहे हो? मैं कस्तूरी निवास का वंशज हूँ, इसलिए ये हाथ हमेशा ऐसे ही रहता है, कभी ऐसे नहीं होता। अपना ख्याल रखो, चलता हूँ। उस मोटे ने मेरे हाथ में ऐसे अंगार रख दिए कि हाथ सीधा होता ही नहीं है मेरा। आज के बाद मैं तुम्हें कलरफुल कह के नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि आई एम इन लव। I found my match. ये पहाड़, ये ट्रेन, ये वॉटरफॉल, ये सब मुझे बहुत पसंद है। माँ मुझसे हमेशा पूछती रहती है, तो शादी करके अपने ससुराल जाएगी तो वहाँ क्या करेगी? और मैं कहती हूँ, मम्मी मेरा परफेक्ट वाला मैच, मेरा मनपसंद जीवन साथी अगर मुझे मिल गया तो जिंदगी में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मेरी मम्मी का बस एक ही सपना है कि मैं जिस लड़के से प्यार करूँ उसी से मेरी शादी भी हो। You're the right match.
मैं भी तुमसे कई दिनों से प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। मेरे बारे में जो तुम नहीं जानते हो वो तुम्हें बताना है। मुझे लगता है टुडे इज द राइट डे। तुम गिर कैसे गई? ओह, लगता फिसल गई। चलो उठो उठो उठो। तुम एक नंबर के झूठे हो। क्यों झूठ कहा तुमने मुझसे? कि तुम्हारा पैर नहीं है। वो मैंने तुमसे उसी वजह से प्यार किया था, पता है? लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे प्यार को पाने के लिए किया। मैं सब कुछ बताना चाहता था और सॉरी कहना चाहता था, लेकिन उससे पहले ये हो जाएगा। मुझे नहीं पता था। आई एम सॉरी। सब लोग हमें ही देख रहे हैं।
प्लीज उठ जाओ। प्लीज उठ जाओ। मैं उठ नहीं सकती। मेरे पैर नहीं है। पोलियो अटैक की वजह से मेरे दोनों पैर बेकार हो चुके हैं। उस लड़की से प्यार करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, पर तुमने उससे प्यार किया, फिर क्या हुआ? क्या तुम अभी मुझसे प्यार करते हो? जानने के लिए मैंने तुम्हें हर दिन फॉलो किया। तुम्हारी मां को तुम्हें ट्रेन में चढ़ाते हुए इस स्टेशन पर देखा मैंने। कुछ वक्त के लिए मेरी सांसें रुक गईं, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें फॉलो किया। वास्को स्टेशन पर तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड के साथ जाते हुए देखा।
बहुत दुख हुआ, लेकिन उससे ज्यादा प्यार हुआ। तब डिसाइड कर लिया, अब मैं जीऊंगा तो तुम्हारे साथ और मरूंगा तो तुम्हारे साथ। मेरे दोनों पैर बेकार हैं, ये जानकर भी तुमने मुझसे प्यार किया? मैंने तुम्हारे पैरों से प्यार नहीं किया, मैंने तुमसे प्यार किया। मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता रहूंगा, तुम मेरी हो मैना। मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे पैर बनूंगा। की हथकड़ी खोल दो। सर सर सर, इट्स ओके। तुमने जो कहा अगर वो सच है तो यू आर ग्रेट। एक लड़की के दोनों पैर खराब होने के बावजूद तुम उसे प्यार करते हो ये जानकर बहुत खुशी हुई। जिंदगी में तुम्हारे पैर बनूंगा।
इन सबको कस्टडी में ले लो सर और प्रॉपरली इंक्वायरी करो सर। ये लोग कौन है ये पता लगाओ। यस सर। गुरुदत्त। यस सर। उसे असिस्ट करो। ओके सर। उसके घर वालों को दरअसल तुम दोनों के प्यार को एक्सेप्ट करके तुम दोनों की शादी करवानी चाहिए थी। मैंने भी यही सोचा था कि उसके घर वाले मान जाएंगे शादी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका भाई उसके अपाहिज होने का फायदा उठाकर सरकार से मिलने वाली सारी सुविधाओं का लाभ ले रहा था। बैंक से उसके नाम पर लोन लेकर मजे कर रहा था, इसलिए मैना की शादी मुझसे हो जाइए उसको बिल्कुल मंजूर नहीं था। और इसी कारण मैना और मैंने डिसाइड कर लिया और हम दोनों बेंगलुरु चले आए। नमस्ते, मेरा नाम है राजेंद्र पंडित, सभी लोग मुझे राज पंडित के नाम से जानते हैं। ये मेरी वाइफ है राधिका पंडित, मेरी लाइफ की हीरोइन। मुझ में और तुम में इतना ही फर्क है कि तुम उसे गोद में उठा सकते हो और मैं उसे उठा नहीं पाया तो भगा कर लाया। तुम्हारा कोई सामान नहीं है इसीलिए तुमने बीवी को ही उठाया है? नहीं, इसे पोलियो हो गया था, दोनों पैर बेकार है। बेचारी। हमें सेंटीमेंट और दुख तकलीफ की बात सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन जिंदगी में बहुत पापड़ बेलकर यहाँ तक पहुँचे हैं, इसीलिए एडवांस में पैसे लेकर हम मदद करते हैं। अरे कोई बात नहीं सर। चलो छोड़ो, ये लो घर की चाबी लो और इसे अपना ही घर समझो, ठीक है? सर एक्चुअली मेरे दोनों पैर बेकार हैं, आई हैव पोलियो सिंस आई वाज अ चाइल्ड। I am sorry, Satya. She will be an asset to my company. Thank you, sir. She is very capable. लेकिन मैं उसे नौकरी नहीं दे सकता। Please, sir. काम नहीं देंगे ऐसा मत कहिए आप। Sir, वो बहुत ही उम्मीद लेकर यहाँ आई है। हमारे ऑफिस में लिफ्ट नहीं है और ऑफिस सेकंड फ्लोर पर है। She has to be here on time 9:30 AM in the morning. I am helpless. कहीं और कोशिश करके देख लो, वही ठीक रहेगा। Good luck. Sir, आपका ऑफिस हर रोज 9:30 को शुरू होता है ना? तो वो 9:25 को आपके ऑफिस के चेयर पर मिली है। विश्वास कीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ सर। अगर ऐसा है तो दैट्स फाइन। ओके, अच्छी बात है। थैंक यू सर। परेशान क्यों कर रहे हो? मेरा सपना है तुम चलो खेलो कूदो हमारे सपनों को इस घर में, तुम धर 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 दौड़ो और घर करती हुई मेरे पास आओ और मुझे छूकर चली जाओ। और उसके बाद? अरे मैंने तुम्हें बताया नहीं, परसों एयरपोर्ट ले जाते वक्त मैं अपनी टैक्सी में एक डॉक्टर से मिला और उन्हें तुम्हारे बारे में बताया। उन्होंने कहा ऑपरेशन के बाद पैर ठीक हो जाएंगे विद इन 6 months। एक बार उनसे मिलके कोशिश करें क्या? सत्या, मैं इस हाल में ही बहुत खुश हूँ। ऑपरेशन के बाद अगर मेरा पैर ठीक हो गया तो मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी और उसके बाद ये सब कुछ बहुत मिस करूंगी। सत्या, तुम हमेशा मेरे साथ इसी तरह रहोगे ना? मैना, प्लीज मना मत करो। मैना, ए मैना, क्या हुआ? हाँ, तुम मेरे लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हो सत्या, लेकिन मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे पा रही हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही सुख दे सकती हूँ और वो है सच्चा प्यार। सत्या। ए Thank you.
जानती हो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी क्या है? तुम्हें खुश रखना, तुम्हें खुश देखकर। I can do wonders. Colorful. All my life. डॉक्टर के पास जाएंगे। ए महिला, ये क्या पागल? सत्या सर, महिना की इस कंपनी में आने से कंपनी का काम बहुत आगे बढ़ा है, इसीलिए तुम दोनों की जिंदगी भी आगे बढ़नी चाहिए, मेरी यही तमन्ना है। I'm so grateful to you, sir. Meet Veer Singh in Infosys. Sure, sir. All the best and good luck. Thank you, sir. Thank you. My name is Maina. मिस्टर सत्या, पोलियो की बीमारी का इलाज बहुत ही मुश्किल है, इनफैक्ट आप इसे इम्पॉसिबल कह सकते हो, फिर भी आई होप शी विल बी ऑल राइट। मेडिसिन का असर पता नहीं इन पर कैसा हो, फिलहाल इनकी पूरी बॉडी का चेकअप करना पड़ेगा। माइना, यू डोंट वरी अबाउट इट, इट्स अ वेरी सिंपल, नेक्स्ट वीक में हम इनकी बॉडी का चेकअप करेंगे। ओके डॉक्टर, दैट्स गुड, थैंक्स, सी आफ्टर वीक माइना, बाय बाय। I like this chair. I'll buy one. तो चले। मैं बॉडी चेकअप करवाने नहीं जाऊंगी, उससे मुझे बहुत तकलीफ होगी। अरे कुछ भी नहीं होगा मैना, there won't be any problem, मैना। हम दोनों की जिंदगी में एक नन्ना मुन्ना आए, इसके लिए तुम्हारे पैर ठीक होने जरूरी है। इमेजिन करो, मैं, तुम और हमारा नन्ना मुन्ना इसी जगह पर यहीं बैठेंगे और चाय पिएंगे, सोचो कैसा लगेगा। सपना है। वो क्या है बताना मेरी सोने की चिड़िया? चलो छोड़ो, मुझे ना शर्म आती है। तो ऐसे शर्मा रही है जैसे आज ही हमारी शादी हुई है। अरे कितने सावन बीत चुके हैं। वो हमारा किरायेदार लड़का कैसे अपनी बीवी को साइकिल पे घुमाता है ना, मुझे भी वैसे ही घूमना है जी। क्या तुम मुझे एक बार घुमाओगे? अभी ले चलूं क्या? हाँ? अरे वो तो अपनी साइकिल पे अपनी बीवी को बैठा कर फालतू घूमता है, लेकिन तू तो मेरे लिए टॉप की मॉडल है। तुझे तो मैं अपनी साइकिल पर आगे बिठा कर डुएट गाना भी गाऊंगा। सच? अरे में? सच, बिल्कुल सच। अरे मैं भी गिर गया। सरप्राइज। वाओ। माय गिफ्ट फॉर यू।
सर सर मेरे पैसे वापस कर दीजिए सर सर। ये पैसे मैंने बहुत मेहनत से कमाए हैं, इसका मिसयूज मत करना। उस दिन जब तूने 100 रुपए दिए थे, पता है मैंने उन्हें कितना संभाल कर रखा था? वो पैसे देने वाली तो तुम्हारे साथ है ना, जाने दो उसे, भूल जाओ। जब हवलदार ने मुझसे वो 100 रुपए लिए तो मुझे लगा तुम्हें मुझसे किसी ने छीन लिया। कलरफुल, मुझे बहुत नींद आ रही है, रस्सी के सहारे चढ़ना उतरना तो मुझे सिखाओगे ना? ओके। एक मिनट आता हूँ। सत्या। अरे मैं ना, ये किचन है ना? हाँ? इसके बाद बेडरूम में जाऊंगी। ओके ओके देखो। गॉड। सत्या। हाँ? बेडरूम। I love rain. Come come come. आजा। Life runs on wheels. मैना, तुमने ये सब कैसे कर लिया? अरे बाप रे, तुम्हारी व्हीलचेयर तो आदमी से भी तेज दौड़ती है, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? तुम मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हो सत्या, मुझे हमेशा खुश देखना चाहती हो, तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं इतना नहीं कर सकती, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। हमेशा यही कहती हो। सत्या, नहीं नहीं आऊंगा, तुम मुझे परेशान करती हो। कलरफुल कलरफुल। सत्या, हमारी कोशिश चल रही है। थैंक यू सर। कुछ ही दिनों में ये हिरन की तरह दौड़ने लगेंगे। हाँ, सच में सर? यस। बस तुम्हें इसी तरह से हमें कुछ दिनों के लिए कोऑपरेट करते रहना होगा। Your eyes are so beautiful. You're everything to me. I am uploading your nude video on internet. Please watch now. Watch now. Maina, I love you very much. कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, तुम्हें अपने पति के साथ ही जीना है। मायके का नाम कभी खराब मत करना बेटी। किसी भी सूरत में ये बात सत्या को पता नहीं चलनी चाहिए, अगर पता चल गई तो वो बहुत नाराज हो जाएगा।
I want to tell you something. बोलो। मैं और तुम हमारे जीवन में चाहे कितनी भी तकलीफें आए हमेशा साथ में रहेंगे। बिल्कुल। चाहे कैसे भी हालात हो, नहीं तो हम दोनों साथ साथ में ही मर जाएंगे। उस वॉटरफॉल से कूदकर एक साथ। मेरी रानी उन दोनों प्रेमी प्रेमिका को देखकर कुछ ज्यादा ही नखरे कर रही है। इसके नखरे को कंट्रोल करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। सुनो रानी, वो जो अपने किराएदार हैं, उन दोनों की अभी अभी शादी हुई है, इसीलिए वो अपने कमरे में बैठकर कुछ न कुछ चुचू चुचू करते रहते हैं, और ऐसा करते समय वो लोग दरवाजा खुला छोड़ देते हैं, जिसे देखकर मुझे भी कुछ कुछ होता है। सच में? हाँ सच में। तो क्यों ना मैं उनके दरवाजे पर ताला लगा दूं? बिल्कुल सही कहा तुमने, सच कहूँ तो ऐसा ही करना चाहिए। फिर मेरी भी परेशानी दूर हो जाएगी, तो मैं अभी जाकर ताला लगा के आता। सत्या, हाँ। चलें क्या? एक मिनट आ रहा हूँ। मायना, अगर तुमने एक घंटे के अंदर मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, तो अभी तक इंटरनेट पर ढके तुम्हारे चेहरे को मैं ओपन कर दूंगा। द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू सी योर न्यूडिटी। क्या गिरा? ओह फोन। बेचारे मेरे इस फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए। हाँ वो ए, तुम रो क्यों रही हो? हाँ अरे रिपेयर होने के बाद एकदम नया फोन हो जाएगा। वो ओहो, ये मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था यही ना? अरे जब गिफ्ट देने वाला सामने है तो Why do you worried about phone? एक घंटे में से ठीक करवा के ला दूंगा। ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो मेरी जान। अगर तुम रोई तो मुझे भी रोना आ जाएगा। हंसो, smile, smile, smile. Smile. मेरी प्यारी जान, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? किसी भी हाल में सत्य उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम सब कुछ जान गए हो, नहीं तो मर जाएगी। ए महीना, जूस जूस पियो ना।
क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पसंद नहीं है? थोड़ा और पियो ना। मुझे नहीं चाहिए सत्या, प्लीज प्लीज ले जाओ उसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसलिए घर पे आ जाओ। ऐसा कहकर किसी गैर मर्द को घर बुलाने वाली घटिया लड़की नहीं मैं। सर, इंटरनेट से वीडियो डिलीट करके उसकी ओरिजिनल टेप आप मुझे दे दें, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। मरीज के साथ धोखा करना गलत है ना सर? एक डॉक्टर के लिए ये बहुत ही कलंक की बात है। मैं ना अभी भी कुंवारी जैसी है सर। शादी हुए इतने दिन हो गए लेकिन मैंने उसे अभी तक नहीं छुआ। मैं ना अगर गर्भवती हो गई तो उसे बहुत परेशानी होगी, यही सोचकर नहीं छुआ। और ऐसी लड़की के साथ तूने ऐसी जलील हरकत की। सॉरी सर, सॉरी। भगवान के लिए सर, किसी के साथ ऐसा गलत मत करो। वो ओरिजिनल टेप मुझे दे दो सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। प्लीज सर, सर प्लीज सर। अरे तू तो हर रोज अपनी बीवी के साथ सोता है, एक दिन मुझे सोने देना, कुछ नहीं होगा, स्मॉल एडजस्टमेंट। तूने मुझ पर हाथ उठाया? आई वॉन्ट योर वाइफ एट एनी कॉस्ट। आई वॉन्ट हर। आई नो हाउ टू गेट हर। हाँ
कि मैंने खून किया है और आज नहीं तो कल मुझे पुलिस पकड़ ही लेगी। अचानक मैं जेल चला गया तो मेरी बीवी महीना का क्या होगा? वो कैसे संभाली अपने आप को? वो अपने आप को मार डालेगी। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं किसी भी तरह उसका ऑपरेशन करवाऊंगा ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी होकर जी सके सर। और यही वजह थी कि मैंने एक झूठ का सहारा लिया। मैंने उससे कहा कि ऑफिस का ट्रांसफर चेन्नई हो गया है। मेरी बात मानकर उसने मेरा साथ दिया। ऑफिस का ट्रांसफर हुआ है तो जाना ही पड़ेगा ना। मुझे भी यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। I'm bored। एक काम करती हूँ, मैं भी ऑफिस से ट्रांसफर ले लेती हूँ। It'll be good for you, I'm telling you। Everything is gonna be fine। उसके दो दिन बाद हम चेन्नई चले गए सर। चेन्नई में मैं एक डॉक्टर से मिला। वो लेडी डॉक्टर थी और बहुत अच्छी थी, बहुत सपोर्टिव थी। जब मैं छोटी थी तब और बच्चों की तरह ही खेलती कूदती थी। जब मैं 5 साल की थी तब अचानक एक दिन मुझे फीवर हो गया और उसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। मुझे पोलियो अटैक आया था और मेरे दोनों पैर बिल्कुल बेकार हो गए। तब छोटी थी इसलिए जल्दी ठीक होने का चांस भी था। पर उस वक्त मेरे मम्मी पापा तुरंत इलाज नहीं करवा सके पैसों की वजह से। दिन ब दिन हालात बुरे होते गए। मैंने आत्महत्या करने की सोची लेकिन फिर सोचा कि वो गलत होगा। मुझे जीना चाहिए, कुछ करके दिखाना चाहिए। मुझे सैकड़ों लोगों के लिए एक मिसाल कायम करनी चाहिए। मौत इसका सोल्यूशन नहीं है। आई लाइक योर एटीट्यूड। तुम अपने पैरों पर चलोगी। आई प्रॉमिस यू विल बी ऑल राइट। पांच साल तक के बच्चों को पोलियो का ड्रॉप पिलाने से इस बीमारी को जड़ से मिटाया जा सकता है। यह है कल्पना, अ पोलियो अफेक्टेड गर्ल। हमने इसका ऑपरेशन किया था। ये पहली सर्जरी के बाद का है। ओके। दिस वन इज आफ्टर द सेकंड सर्जरी। इन ऑपरेशंस के बाद ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ठीक हो गए हैं। तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उतने ही जमा करवा दो, वो काफी है। बाकी खर्चा सरकार करेगी। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू मैडम। चाहे कुछ भी हो जाए, I want my wife to walk. She will be all right. Don't worry. Thank you. हम फिर मिलेंगे ना सत्या? घबराओ मत, यू विल बी ऑल राइट। हाय रेवती, कहाँ हो तुम? चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास। नहीं वहाँ नहीं, तुम बीच पे आ सकती हो।
बीच पर कैश काउंटर ओपन होने में 2 घंटे का टाइम था, इसलिए मैं रेवती से मिलने के लिए बीच पर चला गया। इसका मतलब वो कैश तुम हॉस्पिटल में एडमिट अपनी बीवी के इलाज के लिए लेकर आए थे? हाँ सर। तुमने मुझे सिर्फ एक खून के बारे में बताया, चलो ठीक है, बाकी के 33? मैंने वो खून नहीं किए सर, मेरे हाथों सिर्फ एक ही खून हुआ है। ये बात है सर, इस राज्य की जनता इस केस के बारे में जानना चाहती है, इस केस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस केस के बारे में अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकता, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसे पूरा होने दीजिए। सो राइट नाउ आई एम हेल्पलेस, एक्सक्यूज मी। सर मेरी महिना, आई विल टेक केयर। देखो मैंने बात कर ली है, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी, चलने फिरने लगेगी। सर थैंक यू सर। ओके डोंट बी डिसअपॉइंटेड। नहीं सर। यू सीज्ड मनी। थैंक यू सर। यार कुछ तो करो। तुम ही बताओ कैसे क्या करूं मैं? डॉक्यूमेंट्स में सारी रिपोर्ट सबमिटेड हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, फॉरेंसिक फाइंडिंग्स हैं, विटनेसेस हैं, और उनके दिए सारे स्टेटमेंट्स हैं। इससे ये चीज बिल्कुल क्लियर हो रही है कि वो ही मर्डरर है। एंड द सेम फाइल हैज बीन सबमिटेड टू द मैजिस्ट्रेट। 35 मर्डर्स, कानून के मुताबिक उसे सजा मिलनी ही चाहिए। ये सब तो किताबें कहती है ना, पर इंसानियत के नाते कुछ तो सोचो, कानून से हटकर कुछ सोचना होगा। ही इज अ वेरी नाइस बॉय, उसके हाथों से सिर्फ एक ही खून हुआ है, बाकी जितने भी केस हैं अनट्रेस्ड मर्डर केसेस हैं जो उस पर थोपे जा रहे हैं। ओह, आई वॉन्ट टू हेल्प हिम, किसी भी तरह उसे बचाओ प्लीज। आई विल ट्राई। मैं इस फाइल की सारी डिटेल्स को स्टडी करता हूं पहले, अगर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। यू टेक केयर। सर वो लड़की आई है सर। उसे बैठाओ मैं आता हूँ। यस सर। पूर्णचंद को इन्फॉर्म कर दो। बेचारे सच में ऑपरेशन नहीं हुआ। सत्या ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया सर, वो ऐसा नहीं कर सकता। मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता, पर देखो मैना हम लोग हैं ना, हिम्मत मत हारो, खाना खाओ। मुझे खाना नहीं चाहिए सर, मुझे सत्या चाहिए। सर सर क्या मैं सत्या से एक बार मिल सकती हूँ? यह अभी मुमकिन नहीं है, ऊपर से बहुत प्रेशर है हमारे ऊपर, इसीलिए मैंने उसे अलग रखा हुआ है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है उसके लिए, अभी मुश्किल होगा मिलना। वेट फॉर सम टाइम, मैं खुद ही उससे तुम्हें जरूर मिलवा दूंगा, ट्रस्ट मी। ये क्या कर रहे हो तुम? I'm ready for everything. What? बड़ों की गलती से ये छोटा परिवार मर रहा है, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से उस अपाहिज को, क्या गलती की है उस बेचारी ने? He deserved to die. देखो इस टेप को देखो। Calm down. तुम यही चाहते हो ना कि वो लड़का और वो लड़की दोनों एक सुकून की जिंदगी जिए। आई विल डू माई बेस्ट, पर उस लड़के को होम मिनिस्टर से बचाने का काम तुम्हारा है। उसे मेरे हाथों से अब कोई नहीं बचा सकता।
बहुत दिनों से मैं खामोश था, लेकिन अब नहीं, उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अशोक, उससे बात करके बेकार में बात को बिगाड़ना। ऑलरेडी हम लोगों की बहुत बदनामी हुई है कि हम लोग पैसा लेकर काम करते हैं। अब हम लोगों को बहुत सोच समझ कर इस केस को हैंडल करना पड़ेगा। होम मिनिस्टर को पैसे वापस करने होंगे, ऐसा वो चैलेंज कर रहा है और कह रहा है कि उसका उस लड़की के साथ रिश्ता है। छे, कैसा रिश्ता है ये? कैसा रिश्ता है? देखो, इस वक्त हम जिसका सपोर्ट कर रहे हैं वो एक शरीफ इंसान नहीं है, एक मर्डरर है, और वो लड़की अपाहिज है, और इस वक्त वो लड़की बहुत ही बुरे हालात से गुजर रही है, लेकिन उससे भी बुरे हालात में हम लोग हैं। देखो, अब मैं उसे यहाँ पर बिल्कुल नहीं रख सकता। हम अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। उस लड़के को प्रोसिक्यूशन में सबमिट करो और उस लड़की को किसी अनाथाश्रम में भेजो। किसी गरीब लड़की को हम लोग उसकी सेवा के लिए उसके साथ में रख देंगे। देखो, इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज मेरी बात समझो। ओके, रिलैक्स। वो लड़की अभी हलसुरु पुलिस स्टेशन में है। वहीं पर कहीं आसपास में ही कोई लेडीज हॉस्टल हो या फिर कोई आश्रम, वहीं भेज देंगे इसे। उसके पेपर्स तुम रेडी करो, मैं उसके डॉक्यूमेंट्स प्रोसिक्यूशन के लिए सबमिट करता हूँ। ऐसा ही करो, इट विल बी गुड फॉर अस। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। यहां से जहां भी जाती है मुझे इसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। हेलो, सत्या बोल रहा हूं सर। कहां हो तुम? अपने आप को सरेंडर कर दो। सरेंडर नहीं करूंगा सर। आई से यू कम एंड सरेंडर। मेरे जिंदा रहते हुए मेरी बीवी अनाथ नहीं होगी सर। सर, मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि आपने मेरी जो मदद की है उसके लिए थैंक्स। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर एवरीथिंग सर। इस नंबर से अभी उसका फोन आया था। ये किस किस एरिया टावर से होते हुए यहां आया था ये ट्रेस करो। इसके आगे पीछे के 10-10 नंबर्स को ट्रेस करो, इंक्लूडिंग दिस नंबर। हेलो भैया, मैं सत्या। हाँ सत्या, बोलो भाई। मुझे आपकी मदद चाहिए। अरे क्या हुआ? आपको महीना को साथ लेकर बेंगलुरु आना होगा। हाँ तो ठीक है, आ जाऊंगा। एमजी रोड पे फ्लैशबैक नाम का एक बार है। हाँ, कहाँ? एड्रेस एसएमएस करता हूँ। ठीक है, करो। जब तक आप वहाँ नहीं आ जाते मैं आपका इंतजार करूंगा। नौकरी चली जाए परवाह नहीं, लेकिन मैं जरूर आऊंगा। आज रात वो फ्लैशबैक बार में आ रहा है। टुनाइट यू विल बी द डांसर। यस सर। वहाँ उस पर अटैक करना बहुत आसान होगा, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। वहाँ आने वाले ज्यादातर कम उम्र के होते हैं, हमारे अटैक से उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके ओके सर। तुम्हें देखकर अगर उसे पता चल गया कि तुम पुलिस वाली हो, he will try to escape. मैं नीचे ही रहूंगा, I will catch him. ओके सर।
कंजेरी रेलवे स्टेशन चलोगे क्या? हाँ बैठिए सर।